नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्र ट्रेनिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन सी बातें हैं जो हमें एक जॉब इंटरव्यू में हरगिज नहीं बोलनी है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा वीडियो और सीखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं प्रथम महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, जो कि है करियर ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा इंटरव्यू का एक सीक्रेट। कई बार एचआर कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि वो डायरेक्ट कैंडिडेट से उसका करियर ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि करियर ऑब्जेक्टिव लिखा कुछ होता है और कैंडिडेट बोलता कुछ और है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अधिकांश कैंडिडेट्स करियर ऑब्जेक्टिव कॉपी करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है करियर ऑब्जेक्टिव: टू सिक्योर अ चैलेंजिंग पोजीशन इन अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, टू एक्सपेंड माय लर्निंग्स, नॉलेज एंड स्किल्स। इसका हिंदी में मतलब है कि मैं एक प्रतिष्ठित कंपनी में एक चुनौतीपूर्ण पद को पाना चाहता हूं, जहां पे मैं अपनी जानकारी, ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ा सकूं। दोस्तों, हम सब अपने रिज्यूमे में अपना करियर ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं, लेकिन जब बात आती है इसी करियर ऑब्जेक्टिव को बताने की, तो कई बार हमारे स्टेटमेंट्स कुछ अलग होते हैं। जैसा कि कैंडिडेट से करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा जाता है, जो कि लिखा कुछ और होता है, और कैंडिडेट कई बार कुछ इस तरीके से जवाब देते हैं, लाइक आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, या मैं कुछ और करना चाहता हूँ, या मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तरीके का स्टेटमेंट एचआर के सामने आपका एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन प्रस्तुत करता है, और एचआर को बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि आपने करियर ऑब्जेक्टिव कॉपी किया है, दूसरी तरफ आप इस पद के लिए तैयार नहीं है और आपका उद्देश्य कुछ और है और कंपनी का उद्देश्य कुछ और है। तो इस तरीके की गलती हरगिज ना करें। भाई दोस्तों, बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, जो कि है व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड। दोस्तों, एचआर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई इसी फील्ड में अपना करियर क्यों बनाना चाहते हो, इसी फील्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इस फील्ड के बारे में ऐसा खास क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से एचआर जानना चाह रहा है कि आप कितना तैयार हैं, क्या आपने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है, क्या आप अपने करियर को लेकर श्योर हैं कि आपको क्या बनना है। और कई बार दोस्तों, फ्रेशर्स जो होते हैं, नॉलेज ना होने की वजह से या प्रिपरेशन ना होने की वजह से कुछ इस तरीके का जवाब देते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में अपना करियर इसलिए बनाना चाहता हूं, या ये कोर्स मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था, मेरे ब्रदर ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो मैं उनको देखता हूं, या मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया था कि ये कर लो तो मैं अपना करियर इस इंडस्ट्री में बनाना चाहता हूं, इस फील्ड में बहुत स्कोप है, इस फील्ड में बहुत पैसा है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से जवाब देते हैं, एचआर से क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है एचआर कि बताइए क्या स्कोप है, इलैबोरेट करिए, बताइए कैसा पैसा है, बताइए कैसे पैसा कमाएंगे आप, डेजिग्नेशन क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है। दोस्तों, इस क्रॉस क्वेश्चनिंग से आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन फर्स्ट देन सिलेक्शन, पहले रिजेक्शन होता है देन सिलेक्शन होता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट देने से बचिए, बिकॉज इस तरीके के स्टेटमेंट आपका इंटरव्यू खराब कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पहलू के बारे में। मान लीजिए एचआर ने आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी ताकतें क्या है। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो आपने कुछ इस तरीके से जवाब दिया जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आई थिंक आई एम अ गोल ओरिएंटेड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मैं सोचता हूं कि मैं एक उद्देश्य की प्राप्ति करने वाला एक आशावादी इंसान हूं। दोस्तों, आइडियली ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इंटरव्यू में अगर आप थिंक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको मत करिए, इसकी जगह बिलीव शब्द का इस्तेमाल करिए। जैसा कि अगर आप बोलते हैं आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट, मैं सोचता हूं कि मैं आत्मविश्वासी हूं, ये गलत है। आपको इस्तेमाल करना चाहिए आई बिलीव आई एम कॉन्फिडेंट, ये दिखाता है कि आप पॉजिटिव हैं, ये दिखाता है कि आप फर्म हैं, ये दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। दोस्तों, बात करते हैं चौथे पहलू के बारे में। मान लीजिए एचआर ने फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, और आपने कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया, आई एम द बेस्ट। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, द बेस्ट का हिंदी अनुवाद होता है श्रेष्ठतम। आप यहां पे ऐसा बोल के एचआर को ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि इस प्रोफाइल के लिए जितने भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं या देने के लिए बैठे हुए हैं, आप उन सबसे बेहतर हैं। मान लीजिए अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और उसी प्रोफाइल के लिए 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है, तो आप उससे बेहतर हैं, आप ये कहना चाहते हैं। मान लीजिए आपको उस प्रोफाइल का बिल्कुल भी कार्य अनुभव नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि आप सबसे बेहतर हैं। मैं दूसरे एग्जांपल से समझाना चाहूंगा दोस्तों, विराट कोहली शायद इस समय सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हों, लेकिन उनके लिए भी जो स्टेटमेंट यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि द बेस्ट कहके आप एचआर को मौका दे रहे हैं कि वो और रिजिड हो जाए, वो और आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, और आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ज्यादा होगी तो आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस
कम होंगे। तो दोस्तों इस तरीके का स्टेटमेंट देने से बचें। आइए दोस्तों बात करते हैं पांचवें महत्वपूर्ण पहलू के बारे में। मान लीजिए एचआर ने आपसे पूछा कि व्हाट इज योर वीकनेस, आपकी कमियां क्या हैं, और आपने कुछ इस तरीके का जवाब दिया कि कंसिस्टेंसी इज माय वीकनेस, निरंतरता मेरी कमी है। एचआर ने आपसे पूछा ये कमी कब से है, और आपने बोला शुरुआत से। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इंटरव्यू में कभी भी अपने व्यक्तित्व की कमियां नहीं बताई जाती, जिसको आप कहते हैं पर्सनैलिटी फ्लॉज। कभी भी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके का स्टेटमेंट देके जो कि आपकी पर्सनैलिटी के फ्लॉ को बताता है, एचआर को नेगेटिव कर सकता है। एचआर बोल सकता है कि भाई मुझे इस प्रोफाइल के लिए कंसिस्टेंट बंदे चाहिए, और कंसिस्टेंसी तो आपकी वीकनेस है, मैं आपको नौकरी पे नहीं रख सकता। फिर जस्टिफिकेशन देना आपकी तरफ से मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके का जवाब ना दे जो कि आपके पर्सनैलिटी की कमी या पर्सनैलिटी फ्लॉ को दर्शाता है। दोस्तों बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू के बारे में। एचआर ने आपसे बोला इंटरव्यू के अंत में, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? और मान लीजिए आपने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया एचआर से, क्या आई एम सेलेक्टेड और रिजेक्टेड, या व्हाट विल बी माय सैलरी इफ सेलेक्टेड, क्या मैं सेलेक्ट हुआ हूं या रिजेक्ट हुआ हूं, या मेरी सैलरी क्या होगी। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कई बार कैंडिडेट इस तरीके की गलती करते हैं, नहीं पूछते कि जॉब प्रोफाइल क्या है, नहीं पूछते कि कंपनी की कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्टेशन है, कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पूछते हैं। दोस्तों इसके अलावा जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया होता उन्होंने इंटरव्यू में, उस पे अपडेट नहीं करना चाहते, उसका भी सही जवाब नहीं पूछते हैं। सीधे ये पूछ पड़ते हैं कि मुझे सेलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, या अगर सेलेक्ट हो गया तो सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों इस तरीके के स्टेटमेंट्स ना दें, बचाव करें ऐसे जवाबों को देने से। दोस्तों बात करूंगा सबसे अंतिम बात के बारे में। मान लीजिए आपका इंटरव्यू खराब हुआ, आप डिसअपॉइंटेड हैं और आपको लगता है इंटरव्यू में कोई उम्मीद नहीं बची है, चलते समय में आपने एचआर से बोला कैन आई हैव माय रिज्यूमे बैक। दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है एचआर से, एक इंटरव्यू में एक सिन माना जाता है, एक अपराध माना जाता है। मैं टेक्निकली भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मान लीजिए एक वॉक इन इंटरव्यू है और आप अपना केवल रिज्यूमे लेके इंटरव्यू देने आए हैं, आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कोई ईमेल नहीं किया है, आप अपना रिज्यूमे लेके डायरेक्ट इंटरव्यू देने आए हैं। मान लीजिए एचआर आप में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी है, उसको लगता है कि आपको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाना चाहिए, तो दोस्तों आपने तो ऑन द स्पॉट अपना रिज्यूमे वापस मांग लिया। ये एचआर को बहुत नेगेटिव कर सकता है और शायद आपके सिलेक्शन के चांसेस को पूरी तरीके से खत्म भी कर सकता है। तो कभी भी ये गलती नहीं करें। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद की, आई होप इस वीडियो ने आपके डाउट्स क्लियर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे और लोगों से शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट।